Hello viewers, this is Professor Dr. Waseem Khan from Sri Shivaji Law College, Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Law of Evidence. In this present video, we will discuss Section 11 of Indian Evidence Act. In the previous video, we have already discussed Section 6 to 10. You can watch those videos from my YouTube channel. So, the title of Section 11 is Facts Not Otherwise Relevant Becomes Relevant. So let us proceed towards our topic. When facts not otherwise relevant becomes relevant, that is the situation. Sometimes, prima facie, the facts are not a relevant one, but it becomes relevant due to a certain सिचुएशन. कुछ सिचुएशन होने की वजह से वो फैक्ट्स रिलीवेंट हो जाते हैं. हम देखा जाए तो अदरवाइज वो फैक्ट्स हमको रिलीवेंट नहीं लगते हैं, लेकिन सेक्शन 11 में वो फैक्ट रिलीवेंट हो सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट. ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से कंसिस्टेंट नहीं, उससे मेल नहीं खाते और रिलीवेंट फैक्ट्स से वो मेल नहीं खाते, ऐसे फैक्ट्स. एंड द सेकंड वन इज मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल. देयर इज अ टू कंसेप्ट डिस्कस अंडर सेक्शन 11. वन इज द फैक्ट इन कंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट. अनदर वन इज मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल. कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर फैक्ट्स हमको लगता है कि हाँ ये प्रोबेबल है, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है. तो कुछ एग्जाम्पल्स है सेक्शन 11 में, जो एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम रिलीवेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑफ दोज फैक्ट्स. सो फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट. देर इज अ वन एग्जाम्पल, जॉन हैज रिटर्न अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट डेविड. दिस इज अ फैक्ट. सो दिस इज अ फैक्ट दैट जॉन हैज़ रिटर्न अ डिफामेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट डेविड. के जॉन ने डेविड के अगेंस्ट में एक डिफामेटरी स्टेटमेंट पास किया कि जिसमें उसने डिफामेशन किया उसको. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा कहा होगा कि डेविड चोर है, डेविड फ्रॉड है. ऐसा डिफामेटरी स्टेटमेंट जॉन ने डेविड के अगेंस्ट में पास किया. दिस इज अ फैक्ट. बट जॉन इज इलिटरेट. दिस इज अनदर फैक्ट. Another fact is that the John is illiterate, and on the basis of illiteracy, how it is possible to write a defamatory statement? तो ये दूसरा fact ऐसा है कि John illiterate है, अनपढ़ है वो, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता. और जब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो defamatory statement लिखेगा कैसे? So these two facts are inconsistent with each other. ये दोनों fact एक दूसरे से मेल नहीं खाते, क्योंकि एक तो fact बता रहा है कि उसने डिफामेटरी स्टेटमेंट लिखा, वो पढ़ा लिखा है, और दूसरा फैक्ट ये बता रहा है कि वो इलिटरेट है. बोथ द फैक्ट आर इनकंसिस्टेंट. ये दोनों एक फैक्ट से मेल नहीं खाते. सो बोथ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट, बट बोथ फैक्ट्स आर रिलीवेंट एंड एडमिसिबल. दिस बोथ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट, हैविंग नो कंसिस्टेंसी विथ ईच अदर, बट बोथ बिकम्स रिलीवेंट एंड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 11. दो द फैक्ट इज नॉट अ relevant one becomes relevant fact inconsistent with fact in issue or relevant fact. Aisa fact jo fact in issue ke sath inconsistent hai. Fact in issue yahan par ye hai ki John ne David ke against mein defamatory statement likha hai ya nahi likha hai, aur usse inconsistent ek statement aa raha hai ki John padha likha hi nahi hai. To jab John padha likha nahi hai, ye statement relevant ho jayega. अदरवाइज ये स्टेटमेंट रिलीवेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 11 में ये रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रूव कर रहा है कि अगर जॉन की इलिटरेसी प्रूव हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि जॉन ने वो डिफामेटरी स्टेटमेंट नहीं लिखा है. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. Fact inconsistent with fact in issue or relevant fact. Another example is that under clause 1 there are 6 examples which shows inconsistency. Section 11 sub clause 1 mein aise bahut se 6 examples hai jo inconsistency ko show karte. The first one is plea of alibi. Alibi is a Latin word which means elsewhere.
कि एलिबी का मतलब ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कहीं और पे, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि सपोज इफ द जॉन, द क्वेश्चन इज वेदर जॉन कमिटेड अ क्राइम एट कैलकटा ऑन अ सर्टेन डे, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इज दैट वेदर द जॉन हैज कमिटेड दैट पर्टिकुलर क्राइम एट कैलकटा ऑन अ सर्टेन डे, एक दिन जो दिन मखसूस दिन है उस दिन जॉन ने कैलकटा में कोई ऑफेंस किया है क्या, ये कोर्ट को डिसाइड करना है. बट द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ही वॉज इन डेली इज अरेलीवेंट, लेकिन फैक्ट एक दूसरा है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ही वॉज नॉट इन कैलकटा बट ही वॉज इन डेली. So, this is a plea of alibi. It means at the time of commission of offense, the John was elsewhere. John was not in Calcutta, but he was in Delhi. वो जो कलकत्ता में नहीं था, वो था दिल्ली में. This is a inconsistency, plea of alibi. एक fact कह रहा है कि वो कलकत्ता में उसने offense किया, दूसरा fact ये बता रहा है कि वो कलकत्ता में था ही नहीं, वो न्यू दिल्ली में था. तो both facts becomes relevant under section 11 on the basis of inconsistency between these two facts. तो ये दोनों फैक्ट्स रिलीवेंट हो जाएंगे सेक्शन 11 में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं. अनदर थिंग इज दैट नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड. सपोज द क्वेश्चन इज वेदर पिंटू इज द लेजिटिमेट सन ऑफ जॉन, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इज दैट वेदर द पिंटू इज अ लेजिटिमेट सन ऑफ जॉन, कि ये जो पिंटू है ये जॉन का लिजिटिमेट सन है, जायज सन है या नहीं है, उसका बेटा है या नहीं है, दैट इज़ अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. ये एक कोर्ट को डिसाइड करना है कि लिजिटिमेट सन है या नहीं है. बट ऐसा माना जा रहा है कि वो लिजिटिमेट सन है, ये क्लेम किया जा रहा है कोर्ट के सामने, लेकिन द फैक्ट दैट जॉन हैड नो एक्सेस टू हिज वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड इन विच पिंटू बिगॉटन इज अ रिलीवेंट फैक्ट. बट ऑन द अदर हैंड another fact is that the John had no access with his wife during that particular period in which the Pintu begotten. के अब ये भी एक fact दूसरी तरफ ऐसा है कि जिस time period में Pintu की birth हुई उस time period में John का उसके wife के साथ कोई access नहीं था, उसका उसके वाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं था. जब एक चीज़ ये दूसरी fact है, उधर तो court के सामने ऐसा claim किया जा रहा है कि Pintu जॉन की लिजिटिमेट उसका सन है, और दूसरे तरफ एक फैक्ट ऐसा आ रहा है कि जिस पीरियड में पिंटू की बर्थ हुई उस पीरियड में जॉन का उसके वाइफ के साथ कोई भी संबंध नहीं था. बोथ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट विथ ईच अदर, दोनों फैक्ट इनकंसिस्टेंट है, बट बोथ बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11. नाउ अनदर थिंग इज दैट survival of the alleged deceased. Another example of inconsistency under section 11 is survival of the alleged deceased. David is accused of murdering John on 2nd October 2005 at Delhi. David pe ye charges the ki usne John ka murder kiya. Kab? 2nd October 2005 at Delhi. 2 October 2005 mein David pe aise charges hai ki usne John ka murder kiya. Ye एक फैक्ट है कोर्ट के सामने, फैक्ट इन इशू है. बट डेविड लेड एविडेंस टू शो दैट जॉन वाज अलाइव ऑन 27th August 2011. लेकिन डेविड ने ये एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया कि जॉन 27 अगस्त 2011 को जिंदा देखा गया, उसने उसका सबूत कोर्ट के सामने पेश किया. दीज टू फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट विथ ईच अदर, ये दोनों फैक्ट्स एक दूसरे से मेल नहीं खाते, क्योंकि एक तरफ तो डेविड पर चार्जेस ये है कि उसने 2 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में जॉन का मर्डर किया, और दूसरी तरफ डेविड ने एक एविडेंस ऐसा लेकर आया कि जॉन 27 अगस्त 2011 को जिंदा पाया गया. बोथ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट. तो बोथ द फैक्ट्स आर रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11 ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी विथ ईच अदर. तो बोथ फैक्ट्स बिकम्स रिलीवेंट. Another example is that commission of an offense by third person. In this example, David is charged with the murder of John. यहां पर भी डेविड पे चार्जेस लगे कि उसने जॉन का मर्डर किया, लेकिन डेविड लीड्स एविडेंस दैट जॉन वॉज मर्डर्ड बाय पीटर. लेकिन डेविड पे चार्जेस ये थे कि उसने जॉन का मर्डर किया, लेकिन डेविड ने एविडेंस कोर्ट के सामने लेकर आया कि जॉन वॉज मर्डर्ड बाय पीटर नॉट बाय हिमसेल्फ.
मतलब डेविड ने उसका मर्डर नहीं किया, पीटर ने उसका मर्डर किया, ऐसा एविडेंस कोर्ट के सामने आ गया. दिस इज एडमिसेबल एज बीइंग इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू. तो ये भी इनकंसिस्टेंट हुआ, एक तरफ डेविड पे चार्जेस है मर्डर के, लेकिन डेविड ने ऐसा एविडेंस लेकर आया कि मैंने जॉन का मर्डर नहीं किया बल्कि पीटर ने किया. बोथ बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11 ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द फैक्ट्स. नाउ अनदर थिंग इज दैट सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म. सो डेविड इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ जॉन. यहां पर भी डेविड पे चार्जेस लगे कि उसने जॉन का मर्डर किया, लेकिन डेविड प्रूव्स दैट जॉन हैड कमिटेड सुसाइड. तो यहां पर डेविड ने प्रूव किया कि जॉन को मैंने नहीं मारा बल्कि जॉन ने सुसाइड किया. तो जॉन हैज कमिटेड अ सुसाइड दैट वॉज प्रूव बाय द डेविड. सो दिस इज ऑल्सो एडमिसिबल एज बींग इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू. ये भी एडमिसिबल हो गया क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू के साथ. सेक्शन 11 में ऐसे फैक्ट रिलीवेंट हो जाते हैं. नाउ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट. डेविड फाइल्स अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अगेंस्ट जॉन एलिजिंग दैट ही हैज परचेज द लैंड. तो डेविड ने सूट फाइल किया जॉन के अगेंस्ट में पोजेशन के लिए क्योंकि उसने वो लैंड परचेज किया, ऐसा उसका डेविड का मानना था. बट जॉन लीड्स एविडेंस दैट द डीड ऑफ सेल वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड एज यट. जॉन ने एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया कि जो सेल डीड है वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो फाइनल हुई नहीं. सो दिस इज एडमिसिबल एज बींग इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू. एक तरफ डेविड का मानना यह था कि मैंने ये लैंड परचेस किया और मुझे उसका पोजिशन चाहिए, दूसरी तरफ जॉन ने ये पेश किया कि अभी तक सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो पोजिशन का सवाल ही नहीं आता. तो दोनों फैक्ट एक दूसरे से मेल नहीं खाते, इसलिए दोनों फैक्ट एडमिसिबल रहेंगे सेक्शन 11 में. नाउ मेक्स सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 11 इज मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल. ऐसे कोई स्टेटमेंट जो फैक्ट का होना प्रोबेबल करते हैं या इम्प्रोबेबल करते हैं, उसमें है शांता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज अ केस विच एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. इन दिस केस द विटनेसेस टेस्टिफाइड दैट दे हैव सीन द डिसीज्ड बींग शॉट एट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 feet. तो यहाँ पर विटनेस को जब एग्जामिनेशन उनका किया गया तो उन्होंने ऐसा बताया कि हाँ कि हमने देखा कि जो डिसीज्ड है, जिसकी डेथ हो गई है, उसको 25 फीट की दूरी से उसको गोली मारी गई. ये उनका विटनेस का स्टेटमेंट था. द मेडिकल ओपिनियन इंडिकेटेड दैट द नेचर ऑफ द वाउंड वॉज सच दैट इट कुड हैव बीन कॉज्ड ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन अ यार्ड. लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर ने अपना ओपिनियन फॉर्म किया, उसने ऐसा बताया कि ये जो इसको जो गोली मारी गई वो लेस देन अ यार्ड, एक यार्ड से भी कम डिस्टेंस से उसको गोली मारी गई. तो अब ये जो दोनों फैक्ट है अलग अलग है. सो द एक्सपर्ट ओपिनियन हियर रेंडर्ड द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस हाईली इम्प्रोबेबल. ये जो एक्सपर्ट का ओपिनियन आया, तो ओपिनियन आने के बाद जो विटनेसेस ने जो उन्होंने ये दिया था स्टेटमेंट कि 25 फीट की दूरी से उसको गोली मारी गई, वो उसको हाईली इम्प्रोबेबल बना देता है. जो उन्होंने कहा उसको वो कहीं ना कहीं डाउट में लेकर आता है, इम्प्रोबेबल बनाता है. तो ये हो गया, रिलीवेंट रहेगा यहाँ पर, एक्सपर्ट ओपिनियन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11. सो दीज आर द पर्टिकुलर एग्जाम्पल एंड कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 11. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel, hit the notification button and share this video with your friends. Thank you.